स्वागत है दोस्तों आरके टेक्निकल में आप लोगों का। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक एम्पलीफायर डिस्ट्रीब्यूटर है और ये साथ ही में क्रॉसओवर के भी काम करता है। इसमें दो चैनल लगे हुए हैं, एक हमारा क्रॉसओवर की तरह ही काम करेगा और एक हमारा एम्पलीफायर डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करेगा। तो आज के वीडियो में हम इसके अंदर में जो कौन कौन सा पार्ट लगा है उसके बारे में देखेंगे और साथ ही में इसका साउंड टेस्ट है उसको करेंगे और ये कौन कौन सा इसमें फ्यूचर दिया गया है, किस तरह काम करता है उसको हम लोग आज देखेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इसको घर पे ही इसको बनाया हूँ और आगे आप लोगों को वीडियो जो आएगा इसमें आप लोग इसको किस तरह बना सकते हो, इसका जो अंदर का जो सेक्शन है पार्ट्स है वो कौन कौन सा आईसी से क्या क्या कैसा कैसा बना है उसके बारे में आप लोगों को आगे का वीडियो में अपलोड करूँगा, तो उसमें देखना। और दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसका साउंड टेस्टिंग वगैरह, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो हम लोग चलो वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों चलो हम इसका कौन कौन सा फ्यूचर दिए गए हैं ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये क्रॉसओवर की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो इतना जो सेक्शन है ये हमारा क्रॉसओवर का है और जो हमारा जो पहला वॉल्यूम कंट्रोलर दिया गया है ये हमारा बेस को कंट्रोल करता है। इसमें हम लोग बेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो दूसरा जो कंट्रोलर दिया गया है ये हमारे ट्रेबल को, जो हमारा ट्यूटर रहता है जो आइस वगैरह चलते हैं उसको कंट्रोल करता है। और ये हमारा जो थर्ड जो कंट्रोलर दिया गया है ये हमारा मिड फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करता है, मतलब मिड हमको कितना चाहिए। तो ये हमारा इसमें बेस ट्रिबल मिड तीनों ही इसमें अटैच है, मतलब ये मिड के लिए काम करता है। तो ये हमारा बेस ट्यूटर और ये मिड, तो ये हमारा क्रॉसओवर का सेक्शन है, ये पहला सेक्शन। और जो ये वाला स्विच देख रहे हो दोस्तों ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर एम्पलीफायर को ऑन करने के लिए और ऑफ़ करने के लिए यूज़ में दिया गया है। और ये देख सकते हो आप लोग पैनल यहाँ पे लगाया गया है, इस पर आप लोग यूएसबी के द्वारा इनपुट दे सकते हो और मेमोरी कार्ड वगैरह इस पर इनपुट दे सकते हो। और ये इसका एक पोर्टल, अगर हमको इस पैनल को अगर बंद करना है तो इसके लिए सेपरेट एक स्विच दिया गया है, तो इसके मदद से हम लोग इस सेपरेट इस पैनल को बंद कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं। अगर हमको ज़रूरत नहीं है तो हम इसको बंद करके हमारा जो मिक्सर से वहाँ इनपुट दे सकते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पे चार कंट्रोलर लगा गया है। ये हमारा चारों कंट्रोलर क्या काम करते हैं दोस्तों, ये हमारा कंट्रोलर क्या हमारा चार आउटपुट के लिए है। जैसे कि हम अगर लाइन इन का अगर इस पर इनपुट दे, जैसे कि मिक्सर में अगर हम एक इनपुट दे तो ये हमारा चार आउटपुट निकालेगा, जो हमारा लाइन अलग अलग एम्पलीफायर चार एम्पलीफायर को हमारा ये कंट्रोल कर सकेगा और चार एम्पलीफायर को हमारा ये आउटपुट दे सकता है। तो ये तो हमारा सामने का लुक था वो कुछ इस तरह है। अब हम लोग दोस्तों इसका जो पीछे का कौन कौन सा पार्ट से लगाया गया है, क्या क्या उसमें फ्यूचर दिया गया है उसको देखते हैं। तो चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका। दोस्तों हमको फ्रंट में देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले ये हमारा मेन लीड है और उसके बाद ये हमारा तीन आउटपुट है, एक दो और ये तीन। ये हमारे तीनों आउटपुट अलग अलग एम्पलीफायर में अटैच होगा। जैसे कि ये हमारा बेस के लिए आउटपुट देता है तो हम इस आउटपुट से हमारा बेस का जो एम्पलीफायर है उस पर इनपुट देंगे। और ये हमारा आइस के लिए यूज़ करता है, जैसे कि ट्यूटर वगैरह रहता है उसके लिए। और ये हमारा जो तीसरा आउटपुट है हमारा मिड स्पीकर के लिए है, जैसे कि टॉप वगैरह को हमको चलाना है तो हमको मिड वाला एम्पलीफायर पे इनपुट देना है। ये सभी आउटपुट है इसका। और उसके बाद एक आप लोग देख सकते हो इसमें एक स्विच लगा है, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो ये हमारा जो क्रॉसओवर है वो ऑन हो जाएगा, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो हमारा क्रॉसओवर सेक्शन है वो बंद हो जाएगा। और इस पर एक पीछे पे सामने पे एक इंडिकेटर भी दिया गया है, अगर मैं इसको प्रेस करूँगा अगर ये बंद हो जाएगा तो इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा, और अगर इसको ऑन करूँगा क्रॉसओवर को यहाँ से तो मेरे इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। तो इससे क्या है हमको पता चल जाएगा कि अगर हमारा कौन सा सेक्शन बंद है और कौन सा सेक्शन ऑन है। तो और ये देख सकते हो ये हमारा एक इनपुट है, ये हमारा सबसे मेन इनपुट है, इसी से हम लोग इनपुट करते हैं, मिक्सर से हम इसको इनपुट देंगे तो यहाँ से हमारा तीन आउटपुट निकलेगा, एक बेस के लिए, एक ट्रेबल के लिए और एक आइस के लिए। और उसके बाद ये देख सकते हो हमारा क्रॉसओवर डिस्ट्रीब्यूटर को देख सकते हो, एक ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सेक्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूटर सेक्शन में हमको देखने के लिए मिलता है सबसे पहले एक ऑन ऑफ स्विच, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर सेक्शन को ऑन रखना है तो ये स्विच को ऑन करना पड़ेगा और ऑफ करना है तो हमको इस स्विच को ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद ये है डिस्ट्रीब्यूटर सेक्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा चार आउटपुट है, एक दो तीन और चार। इसमें मैंने ये वाला सॉकेट लगाया नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास अभी लॉकडाउन के लेवल लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे पास ये सॉकेट अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने अभी इस पर लगाया नहीं, लेकिन काम ये बहुत ही अच्छा कर रहा है, बाकी सब काम हो गया इसका। तो ये तो हमारा रहा फ्रंट के लुक और इसका जो कनेक्शन वगैरह जो क्या क्या है उसको आप चलो हम देखते हैं। पहले इस डिस्ट्रीब्यूटर को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद ओपन करके देखते हैं इसमें आखिर क्या क्या सामान लगा है, उसके बाद हम लोग इसको
चेक करेंगे। तो दोस्तों चलो हम लोग ओपन करके देख लेते हैं इसको। तो ये देख सकते हो इसका जो अंदर का पार्ट कौन कौन सा लगा गया है। तो ये हमारा आईसी लगा गया है, दो आईसी लगा यूज हुआ है इसमें। तो ये हमारा एक ये सेक्शन जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का सेक्शन है, इस पे दो आईसी ओनली लगा है और इसको सप्लाई इस ट्रांसफार्मर के जरिए दिया गया है। और इसमें 12012 का एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है, ये देख सकते हो 12012 का कॉपर का ट्रांसफार्मर है। और ये जो हमारा जो रेगुलेटर सेक्शन है इस पे हमको क्या है हमारा प्लस और माइनस इस पे वोल्टेज दिया जाता है, माइनस वोल्टेज 12 और प्लस वोल्टेज 12। तो मैंने इसको रेगुलेटर सप्लाई के रेगुलेटर आईसीज के मदद से इसको वोल्टेज दिया है, एक प्लस वोल्टेज दिया है 12 और एक माइनस वोल्टेज दिया है 12 और एक ग्राउंड। तो इस तरह हमारा ये पावर सप्लाई सेक्शन है और ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर साइड सेक्शन है। उसके बाद चलो हम देखते हैं क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर का सेक्शन ये है, तो इस पे तीन आईसी लगा है हमारा, एक दो और ये तीन, ये हमारा क्रॉसओवर का सेक्शन है। और उसके बाद ये आईसी को हमारा जो क्या है इसमें क्या जीरो इसका आउटपुट क्या है रहता है, कम रहता है। जो हमारा ये आईसी का आउटपुट रहता है वो बहुत ही कम रहता है। तो उसके लिए एक इधर और आईसी लगा गया है, दो आईसी। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आईसी है, इसको इसका आउटपुट को ये इसका जो आउटपुट को आउटपुट रहता है वो इसमें आता है और इसका जो आउटपुट रहता है वो सीधा हमारा इधर आउटपुट एम्पली के लिए अटैच होता है। तो ये देख सकते हो इतना सारा हमारा कंपोनेंट लगा हुआ है, बहुत सारा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अगर मैं आप लोगों को इसको समझाऊंगा छोटा से आईसी के मदद से तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देख सकते हो ये हमारा सामान लगा हुआ है इस पर। अब देख लेते हैं हम इसको जो हमारा पावर सप्लाई है उसको देकर और इसको हम लोग ऑन करके देखते हैं। तो ये सारा सामान लगा है, तो मैं सबसे पहले इसको एसी इनपुट देता हूँ। तो इस तरह मैं इसको एसी इनपुट दे देता हूँ। तो मैंने इसको एसी इनपुट दे दिया, अगर मैं इस पावर बटन को अगर ऑन करूँगा तो ये हमारा क्या है पावर इंडिकेटर जल जाएगा। तो पहले मैं पावर इंडिकेटर जलाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने जस्ट ही पावर दिया, ये हमारा पावर इंडिकेटर जल गया और ये हमारा दोनों सेक्शन अभी बंद है। दोस्तों हम लोग साउंड टेस्ट करने के लिए एक एम्पलीफायर की मदद से इसको मैंने इस पर कनेक्ट कर लिया है और उसके बाद जो हमारा कनेक्शन है वो चलो हम बैक साइड से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा छोटा सा एक ब्लूटूथ पैनल है, इसको मैंने चार्जर के मदद से 5 वोल्टेज सप्लाई दिया है। इससे हम क्या है ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे और इसका जो आउटपुट है ये हमारा सीधा ही जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर एम्पलीफायर पर। ये देखो इधर से हमारा आउटपुट, यहाँ से इसका आउटपुट निकला है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर एम्पलीफायर में इस पर कनेक्ट हुआ है। उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर एम्पलीफायर से आउटपुट जो भी निकलेगा, ये हमारा क्रॉसओवर सेक्शन का आउटपुट जो भी निकलेगा ये हमारा सीधा एम्पलीफायर पे कनेक्ट है और एम्पलीफायर का आउटपुट सीधा हमारे स्पीकर्स पे कनेक्ट है। ये देखो मेरे पास ये स्पीकर है, ये बड़ा स्पीकर को मैं चलाऊँगा क्योंकि छोटा वाला भी स्पीकर मेरे पास नहीं है और एम्पली तो इसके लिए बहुत ही छोटा हो गया है, फिर भी साउंड अच्छा आता है। तो ये ऐसा है मेरा सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब चलो हम इसको पावर ऑन कर लेते हैं यहाँ से और उसके बाद इसका साउंड क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं। तो मैं इधर से पावर ऑन करूँगा तो ये ब्लूटूथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ब्लूटूथ मोड में हो गया है, अब चलो हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये देख सकते हो ये कनेक्ट हो गया। अब चलो हम गाना ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से गाना ऑपरेट करता हूँ, मैंने बेस पे सेट कर रखा है क्रॉसओवर को। अभी आप लोगों ने देखा कि इसका बेस किस तरह आ रहा है। अब चलो हम इसका ट्रेबल है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैं इसका ट्रेबल को इसका जो पिन है सॉकेट है उसके ज़रिए से ये वाला जो इनपुट आउटपुट लिया है उसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं। ये हमारा आइस का आउटपुट है, तो इसमें आइस किस तरह आ रहा है उसको देखते हैं। अभी जो देख रहे थे वो बेस तो बहुत ही अच्छा आ रहा था। अब चलो हम इस वाला पिन में कनेक्ट कर दिया है, अब ये हमारा आइस निकालेगा, मतलब एक छनछनाहट निकालेगा एक आइस के लिए। चलो तो फिर मैं एक बार और ऑपरेट कर लेता हूँ और चलो मैं इसको
ये तो रहा है इसका आइस का परफॉर्मेंस। अब चलो हम इसका जो मिड है उसको भी चेक कर लेते हैं कि इसका मिड किस तरह बज रहा है। ये तो आइस तो बहुत ही अच्छा बज रहा है और बेस भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो हम इधर से फिर कनेक्शन को इसका चेंज करेंगे, उसके बाद इसका जो मिड का सप्लाई, मिड का जो साउंड है उसको चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीसरे नंबर पे इसको लगा देता हूँ। तो ये हमारा तीसरा नंबर का मिड का है और उसके बाद इधर से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद वॉल्यूम को मैं फिर से बढ़ा देता हूँ। तो ये देखो मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया है, अब देखते हैं। साउंड भी सुनने को मिल रहा होगा। तो इसमें आप लोगों को साउंड भी सुनने को मिल रहा है क्योंकि इसमें साउंड आ रहा है और जो बेस और लो था उसमें ओनली झंझकराहट और ओनली बेस ही आ रहा था। तो एक बार और आप लोगों को अच्छे से सुना देता हूँ। आप लोगों ने देखा कि किस तरह ये परफॉर्मेंस कर रहा है और किस तरह ये हमारा जो क्रॉस ओवर सेक्शन है वो बहुत ही ओके है और जो हमारा जो मिड वाला सेक्शन है, जो हमारा इनपुट क्रॉस ओवर है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो बस आज का वीडियो में बस आज इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।